सुप्रिया ने वेलकम यू टू सुप्रियाज किचन। आज के इस एपिसोड में हम बनाने वाले पोटैटो नगेट्स। बहुत आसान रेसिपी है, बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी फेवरेट है। आप इसे बल्क में या बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाकर इसे फ्रीजर में जिप लॉक में पैक करके रख सकते हैं और जब मन चाहे आप इसे अपने टी टाइम या कॉफी टाइम के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एक प्लेट लेंगे। इस प्लेट में यहाँ पर मेरे पास है 3 मध्यम आकार के उबले हुए आलू। तो सबसे पहले हम इस प्लेट में आलू मिला लेते हैं। पर हमें इन आलू को सबसे पहले अच्छे से मैश कर लेना है। इसमें सबसे पहले स्वाद के अनुसार हम इसमें मिलाएंगे नमक। हम इसमें मिलाएंगे 1 छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1 छोटा चम्मच ऑरिगानो, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। साथ ही हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, थोड़ी सी क्रश्ड ब्लैक पेपर, और अब बारी आती है इसमें 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने की। यहाँ पर मैंने इसे एक मोटा पेस्टल में क्रश कर लिया है। साथ ही अब हम इसमें मिलाएंगे 1/4 कप चावल का आटा यानी कि राइस फ्लावर, और यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम इटालियन सीजन ब्रेड क्रम इस्तेमाल किया। आप चाहें तो प्लेन ब्रेड क्रम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उसमें थोड़ी बहुत मिक्सड हर्ब्स भी मिला सकते हैं। अब बारी आती है इसको अच्छे तरीके से फिर से एक बार मिक्स कर लेने की, और अब हम इसमें मिला देंगे 1 कप मोज़रेला चीज, ग्रेटेड मोज़रेला चीज, और अब इसे अच्छे तरीके से हमें मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे तरीके से सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो रहे हैं। चलिए तो अब बारी आती है इसको एक नगेट्स का शेप दे देंगे। सबसे पहले हम हाथों को थोड़ा सा तेल लगाकर ग्रीस कर लेंगे, और अब थोड़ा थोड़ा पोर्शन इसमें से लेकर इसे एक नगेट्स का ओवल शेप दे देंगे। आप अपने हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से इसमें जो मन चाहे आप इसमें शेप दे सकते हैं। ब्यूटीफुल। सो इस तरीके से हमें एक नगेट्स का इसमें एक शेप दे देना है ओवल। यहाँ पर हमारे ये बहुत ही सुंदर लगने वाले पोटैटो नगेट्स तैयार है फ्रीजर में जाने के लिए करीबन 45 मिनट से 1 घंटे के लिए, जब तक ये अच्छे से सेट ना हो जाए। चलिए तो यहाँ पर 45 मिनट हो चुके हैं और मैंने इन पोटैटो नगेट्स को फ्रीजर से बाहर निकाल लिया। आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से ये सेट हो चुके हैं, और अब बारी आती है इसका इसकी एक सेकेंड कोटिंग करने की। तो यहाँ पर मेरे पास 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल बना लेंगे। यहाँ पर ध्यान रहे कि हमें बहुत ही ज्यादा पतला घोल नहीं बनाना है, तो पानी आप इसमें धीरे धीरे करके डालें। परफेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी अच्छे से रेडी है ये। और अब हम इन पोटैटो नगेट्स को एक एक करके कॉर्नफ्लावर घोल में पहले डिप करेंगे और उसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम से कोट करेंगे। और यहाँ पर हमारे ये ब्रेड क्रम से सारे नगेट्स अच्छे तरीके से कोट हो चुके हैं। अब बारी आती है इसको वापस फ्रीजर में डालने की कम से कम 30 मिनट के लिए। तो जब तक हमारे ये पोटैटो नगेट्स फ्रीजर में अच्छे तरीके से आधे घंटे के लिए सेट हो रहे हैं, तब तक हम बना लेते हैं एक बढ़िया सी, एक मजेदार क्रीमी सॉस जो कि इसके साथ बहुत ही अच्छी जाएगी। यहाँ पर मैं एक अवोकाडो सॉस बना रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक बिग साइज अवोकाडो। अब इसमें मैं मिलाऊंगी सबसे पहले 2 से 3 बड़े चम्मच मायोनीज। आप कोई भी मायोनीज इसमें इस्तेमाल कर सकते। डाल दिया इसमें। अब बारी आती है इसमें थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च मिलाने की। साथ ही हम इसमें मिलाएंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल, आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आखिर में इसमें मिलाएंगे हम एक नींबू का रस। तो यहाँ पर हमारी ये मजेदार सी सॉस यहाँ पर रेडी हो चुकी है, और यहाँ पर इस कोटिंग के साथ आप इसे जिपलॉक में अच्छे तरीके से पैक करके रख सकते हैं और जब मन चाहे जितने चाहे आप इसे फ्राई कर सकते हैं।
यहाँ पर मैंने 5 मिनट पहले इस पोटैटो नगेट्स को बाहर निकाल लिया था फ्रीजर से और यहाँ पर अब हमारा तेल भी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है और अब बारी आती है एक एक करके इस पोटैटो नगेट्स को फ्राई कर। तो क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी बने, लाजवाब है ये। बहुत ही क्रिस्पी आउटसाइड से, अंदर से चीजी। तो आप इसे जरूर ट्राई करें और नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर भी जरूर हिट करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय फूड एंड स्टे हेल्दी। बाय।